ये आतिशबाजी उस दोस्ती के नाम जिसकी इबारत अखिलेश ने लिखी और दस्तखत मायावती ने किया, ये वो दोस्ती है जिसके बाद एसपी बीएसपी खेमे में पटाखे छूट रहे हैं और बीजेपी नेतृत्व के माथे पर बेचैनी की बूंदें छलक रही हैं। मायावती का ये ऐलान गठबंधन के इतिहास में मील का बड़ा पत्थर है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी, और दो लोकसभा की सीटें हमने अभी एक दो और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। तारीफ करनी होगी अखिलेश की, जिन्होंने मायावती को गेस्ट हाउस कांड के जख्म भूलने के लिए मजबूर कर दिया। लखनऊ के होटल ताज में आज जो कुछ हुआ वो एक सपने जैसा था, और इस सपने को साकार करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश की हीलिंग टच वाली राजनीति का असर देखिए कि मायावती खुद कह रही हैं कि उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की काली यादों को पीछे छोड़ दिया है। 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए, एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनज़र रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। तो आज ये फाइनल हो गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी भी 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीएसपी एसपी ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ दी हैं, सहयोगियों के लिए भी 2 सीटें छोड़ दी गई हैं। बंटवारा फॉर्मूला से साफ है कि 2017 में समाजवादी पार्टी की हमसफर रही कांग्रेस को गठबंधन से चलता कर दिया गया है। अखिलेश ने कांग्रेस पर हमला करने के लिए जैसे मायावती को अधिकृत कर रखा था, और मायावती ने कोई कोताही नहीं की, बीजेपी पर चुन चुन कर वार किए। हमें पूर्व में कांग्रेस पार्टी के रहे राज में सन 1975 में लगी इमरजेंसी से भी अब कोई कम नज़र नहीं आता है, अर्थात फर्क केवल इतना ही है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के राज में उस समय घोषित इमरजेंसी थी और अब बीजेपी के राज में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अखिलेश ने सियासत की नई स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें मायावती के मान अपमान को अपना मान अपमान बताकर साफ कर दिया है कि आगे का रास्ता इसी गठबंधन की गलियों से होकर गुजरेगा। जिस सहजता से समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन की गांठ खोली है, उससे साफ है कि गोरखपुर फूलपुर की जीत ने दोनों को दोस्ती की अहमियत समझा दी है। दोनों समझ गए हैं कि एकला चलो रे के रास्ते पर आगे बढ़े तो सिवाय हार के कुछ हाथ नहीं आने वाला है।